नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ काजल। भारत समाचार के स्पेशल प्रोग्राम नक्षत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और हमारे साथ स्टूडियो में आचार्य राजीव शुक्ला जी, जो आपको बताएंगे कैसा होगा आपका आज का दिन और क्या है उपाय जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का प्रणाम। उद्यन मार्तंड कोटि प्रकट रुचि रुत चारु वीरासन स्तंभ मौंजी यज्ञोपवीतारुण रुचिर शिखा शोभितम कुंडला भक्तानाम इष्ट दंतम प्रणत मुनिजनम वेदनाद प्रमोदम ध्यायेत देहम प्लव कुलपतिम गोष्पदिम भूतवार्तिम। इस प्रकार से उद्यन मार्तंड भगवान हनुमान पंचवक्त्रम पांच मुख है उनके, पंचवक्त्रम महाभीमम त्रिपंच नैनोत्तम बाहुविधर्ष भिर्युक्तम सर्व कामार्थ सिद्धितम। प्राण तत्व है, सारे कार्यों की सिद्धि करने वाले और किसी भी प्रकार से रोग दोष शोक सारी वस्तुओं का, नेगेटिव वस्तुओं का शमन करने वाले और इसी के साथ ही बल बुद्धि विद्या सब कुछ प्रदान करने वाले। तो भगवान संकट मोचन को कौन नहीं जानता है, लेकिन भक्तों के कष्ट को बस नाम हर लेते हैं, नाम मात्र की पीड़ा छोड़ के पूरी पीड़ा हर लेते हैं, वो भी कुछ सिखाने के लिए। कुछ ऐसी बातें हैं भगवान हनुमान जी के लिए जो कई लोग नहीं भी हो सकता हो जानते हैं। भगवान शंकर के अवतार हैं ये, बहुत लोग जानते हैं। लंबी उम्र के लिए माता सीता सिंदूर से संबंधित सब लोग जानते हैं कि जब वो सिंदूर लगा रही थी तो उन्होंने पूछा सिंदूर क्यों लगा रहे हैं, तो उन्होंने कहा लंबी आयु के लिए, तो उन्होंने पूरे शरीर को रख लिया। मकरध ध्वज नाम का एक बेटा जिसको कहते हैं वो, और भगवान राम, और इसके साथ ही वाल्मीकि ने पहले ही हनुमान जी से पहले, यानी वाल्मीकि से पहले हनुमान जी ने रामायण लिख दी थी, यानी इस प्रकार से उन्होंने रामायण लिख दी थी। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि फिर मेरी रामायण कहाँ लिखी, कहाँ पढ़ी जाएगी, तो उन्होंने फिर उस रामायण को विसर्जित किया। तो वाल्मीकि रामायण का जरूर आप सब लोग जानते होंगे। मगर ध्वज उनके औरस पुत्र नहीं थे, लेकिन उनके जैसे कहते हैं कि मैं उनके पुत्र तुल्य हूँ, इस प्रकार से मान के वो माना उन्होंने। इसी प्रकार से माता सीता ने एक बार मणि दी थी उनको, तो उन्होंने उस मणि को बार बार चबा के देखा कि इसमें भगवान राम कहाँ हैं, तो माता सीता नाराज हो गई। तो उन्होंने कहा कि क्या सभी लोगों ने पूछा क्या आपके हृदय में है, तो कहने लगे हमारे हृदय में, तो हृदय चीर के दिखाया, भगवान राम और माता सीता के दर्शन कराए। महाबली माना गया है, बुद्धि बलम यशो धैर्यम निर्भयत्वम आरोग्यतम अजाड्यम वाक्पटुत्वम चा हनुमत स्मरणार्थ भवेत। यानी इतनी सारी वस्तुएं, बुद्धि बलम बल यश और धैर्य, और सबसे बड़ी बात जो प्राप्त होती है भगवान हनुमान जी से वो होती है निर्भयता। बुद्धि है, बल है, यश है, लेकिन भय है मन में तो भी कुछ काम का नहीं। तो बुद्धि बलम यशो धैर्यम निर्भयत्वम आरोग्यतम अजाड्यम वाक्पटुत्वम च हनुमत स्मरणात् भवेत्। केवल हनुमान जी के स्मरण से इतनी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। तो ये तो क्या कहें, छोटा मुख बड़ी बात। तो हम लोगों ने जाना भगवान हनुमान जी के बारे में कुछ तक। गुरु जी, अब दर्शकों को बताइए कि आज के 12 राशियों का राशिफल क्या कह रहा है और क्या है आज का खास उपाय। मेष राशि वालों, आपका दिन सामान्य रहेगा, यानी कि आज नेगेटिव पॉजिटिव बैलेंस है। बिजनेस में रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है, आपको किसी विशेष काम में दूसरों की मदद भी प्राप्त हो सकती है। भगवान की कृपा से परिवार के लोग आपके साथ हर फैसले में होंगे, यानी आज ईश्वर की कृपा बनी है। जीवन साथी के साथ तालमेल बैठाना भी आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, सामान्यता रहेगा और कुछ रुका हुआ धन आपको समय से प्राप्त हो जाने की जो प्रसन्नता होती है वो एक अलग प्रसन्नता होती है। दूसरों की मदद भी मिल जाएगी आपको अपने कार्यों में, तो फैसलों के साथ खड़े रहेंगे परिवार के लोग आपके। भोजन कराएं गरीबों को और इसके साथ ही काला रंग शुभ है, शुभ अंक आज आपके लिए है दो का। बात करेंगे वृषभ राशि, अच्छे व्यवहार से आसपास के लोग आज आपके प्रसन्न होंगे, आपकी छवि अच्छी निखर के लोगों के सामने आएगी, आपकी कई क्वालिटीज लोगों तक पता चल सकती, समाज में आपको उचित आदर मान सम्मान प्राप्त होगा, आपका मन प्रसन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। धैर्य पूर्वक किया गया कार्य, विचार पूर्वक किया गया कार्य फलदायी हो सकता है। किसी मामले में आप कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं कुछ सोच विचार के। आपके अच्छे व्यवहार से एक शांति का वातावरण बना रहेगा आसपास, एक कूल वातावरण। गुड़ का दान करें, मंदिर या धर्म स्थान में अच्छा है, लाल रंग शुभ है, शुभ अंक आज आपके लिए है एक का। बात करेंगे मिथुन राशि की, मिथुन राशि वालों
धार्मिक स्थल पर दर्शन के लिए जाने का या धार्मिकता का कुछ कार्य करने का मन हो सकता है। मित्रों की संख्या में बढ़ोतरी आपकी हो सकती है अचानक से। आर्थिक से आपको लाभ हो सकता है, आर्थिक गतिविधियों से थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ सकता है। आपके व्यवहार में चिड़चिड़ापन, भाइयों से कुछ वैचारिक मतभेद इत्यादि भी आपको हो सकते हैं। बैंक से जुड़े हुए कार्यों में आपकी कुछ इंक्रीजमेंट हो सकता है। शाम के समय, संध्या के समय कोई उचित समाचार मिलकर आपका दिन, बचा हुआ दिन अच्छा कर देंगे। परिवार वालों का आप प्लान कर सकते हैं कुछ दार्शनिक या आध्यात्मिक कार्य। बजरंग बली की आराधना करना बहुत ही उत्तम रहेगा। शुभ अंक 9, शुभ रंग आज आपके लिए है सफेद का। इसके बाद बात करेंगे, इसके बाद आने वाली राशि और मिथुन के बाद कर्क का प्रभाव। तो बजरंग बली की आराधना करना अच्छा रहेगा। कर्क राशि की बात करें, चंद्र राशि कर्क, आप पहले की अपेक्षा बेहतर रहेगा। थोड़ी सी मेहनत करेंगे, आपको कुछ बड़ा मुनाफा प्राप्त हो सकता है। और शाम को बाहर भी जा सकते हैं, जीवन साथी के साथ डिनर इत्यादि कुछ प्लान कर सकते हैं, बच्चे दोस्तों के साथ कोई गेम इत्यादि भी, यानी कि एंटरटेनमेंट हो सकता है, पारिवारिक जीवन जी सकते हैं। दृष्टिकोण बदल लें, ईमानदारी से काम करें तो आपको रैंक, पारिश्रमिक इत्यादि जरूर बढ़ सकता है। नवीन शौक आप जरूर पाल सकते हैं, यानी चेत पे भारी पड़ सकते हैं वो शौक। भगवान शिव के मंदिरों में जाएं और ब्राह्मणों से कोई निश्चित अनुष्ठान इत्यादि भी कराएं या उनको जरूर कुछ दान दें। बारहवें रंग शुभ आपके लिए, और आपके लिए आज का दिन फेवरेबल है। सिंह राशि वालों की अगर हम बात करें तो फेवरेबल दिन, इसका मतलब आप खुद को एनर्जेटिक महसूस करेंगे, पावरफुल महसूस करेंगे, आपके परिवार में सुख शांति इत्यादि बनी रहने की संभावना दिख रही है। किसी खास व्यक्ति से भी आपकी हो सकती है मुलाकात। सिंह राशि वालों, माता पिता की सेहत में आपके या आपसे माता तुल्य पिता तुल्य जो लोग हैं सुधार। ऑफिस सहकर्मियों के साथ पारिवारिक मैटर्स अपने शेयर बिल्कुल ना करेंगे। आज का दिन वैसे आपका फेवरेबल बना रहेगा लगातार। तो शुभ अंक 8 है आपके लिए और शुभ रंग है ऑरेंज। बात करेंगे कन्या राशि। कन्या राशि वालों, आपका दिन आज ठीक ठाक, यानी कि एक मीडियम दिन है, लेकिन मध्यमता से उत्तमता जाता हुआ सामाजिक कार्यों में हिस्सा दिलाता हुआ यह दिन है। ऑफिस में कोई आपको नया कार्य भी मिलने की उम्मीद दिख रही है। आपको अच्छा मान सम्मान भी प्राप्त हो रहा है। आपके पर्सनालिटी में भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है। शुभ समाचार मिलने से बहुत ज़्यादा आप उत्साहित हो सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, भोजन की अधिकता पेट के विकार का कारण भी बन सकती है, तो स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना आपके लिए आज जरूरी है। जल में लोहा, मतलब प्रवाहित करने का मतलब है लोहपात्र से जल डालना या दुग्ध डालना। काला रंग शुभ है। शुभ अंक आज आपके लिए है 4। और इसी के साथ ये भी जरूर ध्यान रखिएगा कि काले रंग का प्रभाव आज आपको लाभ देगा। तुला राशि वालों, आज का दिन आपका बेहतर दिख रहा है। आर्थिक स्थिति में प्रगति आपकी हो सकती है। जीवन में तरक्की के नए मार्ग, नए रास्ते खोल सकते हैं। और आपकी ड्रेस इत्यादि, यूनिफॉर्म इत्यादि की या कार्य क्षेत्र पे तारीफ हो सकती है, आपकी पर्सनालिटी की तारीफ हो सकती है। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन तनाव से दूर रहें। अचानक काम से संबंधित किसी यात्रा पे आपको जाना पड़ सकता है। आज का दिन वैसे बेहतर जरूर रहेगा। बात करेंगे क्या करें। बजरंग बाण का पाठ करना आज आपके लिए बहुत ही अच्छा है, उत्तम है, फलदायी है। पीला रंग शुभ है। शुभ अंक आपके लिए है 1 का। तो आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए मनोयोग के साथ। वृश्चिक राशि की बात करें तो आपको बिजनेस के क्षेत्र में कुछ लोगों से अच्छी मदद मिल सकती है। सामाजिक जीवन भी आज हर तरह से बेहतर बना हुआ रह सकता है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आप जरूर प्राप्त करें। कार्य क्षेत्र में आपको काम के लिए वाहवाही, प्रशंसा और आपकी इम्प्रेशन आपका अच्छा पड़ सकता है। युवा संपर्क अच्छे प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति भावनात्मकता जरूर आपको रखनी चाहिए। माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मछलियों को आटे की गोली बनाकर खिलाना, ये आपको लाभ देगा। शुभ अंक 5 है। शुभ रंग हरा। तो ये छोटे छोटे कार्य लेकिन बहुत ही शुभता लिए हुए, तो 5 का अंक और हरा रंग ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे, धनराशि की बात करेंगे। आपके पास नए अवसर तो जरूर प्राप्त होंगे, लेकिन धैर्य रखने पर ही आपके रिश्ते मधुर होंगे। कुछ चीज़ों में आप कुछ ओवर रिएक्ट ना करें। स्नेहजनों, मित्रों से आपको मिलना हो सकता है। प्रिय व्यक्तियों के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, रोमांचक हो सकती है। कपल्स के बीच का रिश्ता और घना, घनिष्ठ, मजबूत हो सकता है।
धन दौलत से जुड़े हुए परिणाम पॉजिटिव हो सकते हैं। सुचारू रूप से बातचीत होने के कारण प्रेम संबंधों में सफलता प्राप्त भी हो जाएगी। अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, सफेद वस्त्रों का आप दान करेंगे तो ये पॉजिटिव रिजल्ट्स और अच्छे होंगे। शुभ रंग आज आपके लिए ग्रे यानी सिलेटी, तो इसलिए ध्यान रखिए। आगे चलते हैं मकर राशि की बात करते हैं। अपना दिन आपका मिला जुला रहता हुआ देखा जा रहा है। मिक्स्ड है, नौकरी कर रहे लोगों को तो प्रोजेक्ट कोई नया मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी सामान्य दिन है यानी जो सीख रहे हैं। आज किसी छोटी सी बात पर जीवन साथी इत्यादि से या किसी साथी से आपके अनबन हो सकती है और इसी के साथ ही पक्के बिल का या कागज रूपी चीज़ों को बहुत ध्यान रखें। डायबिटीज पे विशेष ध्यान बनाए रखें। दिन आपका मिला जुला दिख रहा है। रिस्क एक्सेस में ना लें किसी भी चीज़ में। माता कालिका का ध्यान करें, कर्पूर आरती करें और नींबू जरूर चढ़ाएं। मैरून रंग शुभ है, शुभ अंक 15 या वतन से 6 यानी 5+1। कुंभ राशि की बात करें, आपको तरक्की के कुछ नए साधन मिल सकते हैं, नए लोग आपको नए आयाम दे सकते हैं, आपका मूड काफ़ी अच्छा रह सकता है। बिजनेस में भी तरक्की सामान्य रूप से बनी रहेगी। आपके आत्मविश्वास में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है यानी आपको लगेगा कि हम कुछ बड़ी चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। आपकी क्रिएटिविटी से ज़रूर लोग प्रभावित होंगे। आपके रिश्तेदार आपका पूरा सहयोग देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको कुछ तरक्की के साधन मिलेंगे। दीप दान करें, दीपो ज्योति नमोस्तुते, शुभम करोति कल्याणम, इस प्रकार का मंत्र है जरूर बोलिएगा। गहरा हरा रंग शुभ है और 8 का अंक आपके लिए शुभ है। मीन राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहने वाला है, पॉजिटिव है, वाइब्रेशंस अच्छे हैं। दोस्त मित्रों के सहयोग से, समागम से भी आपको लाभ हो सकता है। संपत्ति बढ़ाने की कोई योजना सफल हो सकती है। बिजनेस में नए एग्रीमेंट भी आपको हो सकता हो मिल जाए। तो कुल मिला के आज का दिन अच्छा है, लेकिन फिर भी एक सतर्कता अनिवार्य है। आप किसी भी नए कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। गाय को हरा चारा जरूर आज आपके लिए, शुभ रंग 15 यानी 6, शुभ रंग आज आपके लिए है ब्लैक। तो आपने देखा दर्शकों, मेष से मीन, मीन से मेष पर्यंत सारी राशियां गागर में सागर बहुत जल्दी। गुरु जी, अब दर्शकों को बताइए कि आज का पंचांग क्या कह रहा है, दिन में कौन सा समय रहेगा शुभ और किस समय रहेगा राहु काल। दिनांक 21 जून 2022, अष्टमी तिथि का मान उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, मंगलवार का दिन आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष, शुभ समय 11:57 से 12:51 तक, राहु काल 3:50 से 5:30 सिद्ध है। तो आज आपने जाना कैसा होगा आपका आज का दिन और क्या है उपाय जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए आप गुरु जी को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं 800-40-36524। ये उनका व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप उनको टेक्स्ट मैसेज करके अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। और साथ ही गुरुजी की ईमेल आईडी है rajivshuklaonline@gmail.com। आज के नक्षत्र में बस इतना ही, कल फिर आप सभी दर्शकों से मुलाकात होगी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार।